हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। मेरे बहुत से दोस्तों को ये दिक्कत रहती है कि हम क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें, प्रोडक्ट सिलेक्शन में दिक्कत रहती है, तो इसके लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना प्रोडक्ट, आप लोगों के पास जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपने सिलेक्शन किया है, उसको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। और उसके अलावा अपना सिटी क्या है वो भी डाल देंगे, और स्पेशली HSN कोड जरूर डालेंगे, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आपका, क्योंकि नाम कभी भी डिफरेंट हो सकता है, पर HSN कोड उसका वही रहेगा। अगर उस प्रोडक्ट में कुछ कमी है तो क्या है, तो ये सब चीज़ मुझे पता चल जाए। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों से कुछ इधर उधर की बात नहीं करूंगा, देश की तरक्की वगैरह की कुछ नहीं बात करूंगा, ये सब मैं पिछली वीडियो में बहुत बोल चुका हूं। तो सबसे पहले हमको एक्सपोर्ट में प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सब मैं बताऊंगा। उसके लिए सबसे पहली जरूरी चीज़ है कि आपकी एबिलिटी आपको किस चीज़ की है, आपकी योग्यता कितनी है, और आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। आपका इंटरेस्ट है मछली बेचने में और आप गन्ना बेचने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए। सबसे पहले अपना पर्सनल इंटरेस्ट, अगर आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो फोटोग्राफर के लिफ्ट फील्ड में जाइए, और किसी चीज़ में का इंटरेस्ट है तो और किसी चीज़ फील्ड में जाइए। और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, तो सबसे पहले हमें जो एक्सपोर्ट की लाइन में एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है हमें महिलाओं की इज्जत करना। जी हाँ, ये कोई भी नहीं बताता हमको, जब हम एक्सपोर्ट में जाते हैं तो हमको महिलाओं की इज्जत करने की, इसमें हमारे अंदर एक तरीके से समावेश होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसी से, तो ज़्यादातर अगर आप चाइना से कोई कोटेशन मंगाते हैं, किसी तरह की बात करते हैं, या चाइना से किसी प्रकार कनेक्ट है, तो वहाँ सेल में सबसे ज़्यादा लेडीज़ ही आपके साथ में कम्युनिकेट करेंगी। इसके लिए हमको अपना जो है एक बिहेवियर, जो एक जो नेचर है, वो इस तरीके का रखना चाहिए कि हम महिलाओं की इज्जत करें हमेशा के लिए। ये आप अपने पल्ले बांध लीजिए कि बिजनेस में कभी भी इस चीज़ को इंक्लूड नहीं करना है हमेशा। ये बात कोई नहीं बताता कि महिलाओं की अगर आप इज्जत करोगे तो आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ोगे, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट हमको प्रोडक्ट सिलेक्शन में क्या करना है, आपका जो भी थोड़ा एक्सपीरियंस है या जो भी नॉलेज है या जिस भी चीज़ का आपका प्रोडक्ट है, आप जिस भी प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, थोड़ी सी और जानकारी लीजिए, उस ही प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने की सोच कर लीजिए, और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करने की सोचिए। सब चीज़, फिजिकल प्रोडक्ट हो, डिजिटल प्रोडक्ट हो, आपको किसी को एजुकेशन देनी हो, कोई फिजिकल प्रोडक्ट ना हो, ये सब एक्सपोर्ट होता है। जी हाँ, अगर आप में किसी चीज़ की जो है इस तरह की एबिलिटी है कि आप जो है शिक्षा दे सकते हो, जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, अगर मैं एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग देता हूँ, तो मैंने फिजिकल तो कोई प्रोडक्ट दिया नहीं, अगर मैं अपना वेबिनार इस तरीके का, वीडियो इस तरीके का बना लेता हूँ कि मैं उसको एक्सपोर्ट करूँ, तो मुझे केवल सर्विस चार्ज देना होगा, और इसके अलावा मेरा फिजिकल तो कुछ नहीं गया। तो हर किसी में ये एबिलिटी होती है, अपने अंदर की एक आपकी योग्यता को देखना है आपको कि आप किस तरह की जो है योग्यता आपके अंदर है। दूसरा एक ये सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग मान लीजिए कि किसी स्टेट में, दिल्ली में मैं रहता हूँ, अगर मैं ये सोचने लगूँ कि मेरे नियर बाई गुजरात पोर्ट होता तो मैं वहाँ से जो है मेरा कार्टेज बच जाता तो मैं ही एक्सपोर्ट कर पाता, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये एक मेरे लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। मान लीजिए मेरे पास सेब का बाग है, तो गुजरात में तो सेब के बाग नहीं होते ना, तो फिर मैं वो प्रोडक्ट कैसे सेल करूंगा। गुजरात में कभी भी सब चीज़ नहीं मिलेगी, हाँ कुछ मेन चीज़ मिल सकती है, ये उनको बेनिफिट हो सकता है, तो ये वेल एंड गुड है, कोई बात नहीं, हमारे देश की जो है एक स्टेट है, अच्छा ग्रो कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर और लोगों के लिए क्या है, हमारे लिए रास्ते तो नहीं बंद हो गए ना, तो हमारे स्टेट में हमको फाइंड आउट करना है कि क्या उसकी प्रोडक्ट, आप एक लिस्ट निकाल लेंगे कि एक्सपोर्ट में क्या क्या चीज़ हमारी सबसे ज़्यादा सेल होती है। ये लिस्ट आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट, हमको डिमांड और प्रॉफिट और मार्जिन, ये सब चीज़ ध्यान में रखनी है, और डिमांड क्या है किस चीज़ की। अब आप अफ्रीका में जैकेट बेचने लगो,
तो ये तो कोई लॉजिक बनता नहीं ना, क्योंकि वहां तो गर्मी ज्यादातर रहती है और आप जैकेट के लिए अफ्रीका को सेलेक्ट कर लो। इस चीज का तो हमको सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज मैं और आपको बोलना चाहूंगा कि अभी मेरे को किसी ने एक कमेंट किया था कि सर मैं एक जो है बादाम एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, मेरे को कहीं से 400 रुपए। देखिए मैं आपका टीचर हूँ, अगर आपको समझा रहा हूँ तो आपको किसी भी चीज का बुरा नहीं लगना चाहिए, ये आप पल्ले बांध लीजिए। अगर मैं आपको कुछ भी चीज़ समझा रहा हूँ तो इसमें ह्यूमर भी जरूरी है, हमेशा सीरियस नहीं रहना चाहिए, आपको अपना जैसा नेचुरल नेचर है वो चीज़ रखनी चाहिए। अब इसमें आपको थोड़ा सा एक मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा, थोड़ा आपको अच्छा भी लगेगा, सुनने में भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। उस व्यूअर ने मेरे को लिखा कि सर मेरे पास एक बादाम है और मेरे 400 रुपये किलो की परचेजिंग है मेरी, क्या मैं उसको 1200 किलो में बेच सकता हूँ? तो मेरे भाई एक चीज़ बताओ, 1200 रुपये किलो बेच रहे हो आप 400 रुपये किलो का आइटम, तो उनको शायद ये नहीं पता कि भैया कोई 5 किलो नहीं लेने आएगा, टन में आएगा, 28 टन की कैपेसिटी होती है। और बादाम का अगर वॉल्यूमेट्रिक वेट कम है तो कम से कम 8 या 10 टन तो जाएगा, मतलब कि एक कंटेनर के हिसाब से 50-60 लाख रुपए का उनका सीधा सीधा प्रॉफिट आ गया। तो भाई मेरी वीडियो मत देखो आप सीधे, अगर नटवरलाल हो तो वो तो भैया लाल किला भी बेच दिया, उसने तो इंडिया गेट भी बेच दिया, तो उसके लिए एक सब फायदा है देखने में, इसको अन्यथा मत लेना। ये मेरा काम था समझाने का, क्योंकि एक्सपोर्ट में बल्क में जाता है, आपको पर किलो अगर 5 रुपए किलो भी मिल रहा है तो इट इज एनफ, ये बहुत सफिशियंट है हमारे प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि वो टनों में वेट जा रहा है। हम इस चीज को भूल जाते हैं, हमको ये लगता है कि 5 किलो 10 किलो लेके जाएगा, भाई वो इतना तो उससे ज्यादा तो उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी बन जाएगी, वो नहीं बेचेगा, उसको जरूरत ही नहीं है। अगर आप एक्सपोर्टर की जगह इम्पोर्टर हो गए तो आपके 5 किलो 10 किलो 100 किलो 250 किलो 500 किलो 1000 किलो भी इम्पोर्ट करने की सोचोगे? कभी नहीं सोचोगे। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई, और जो मेरे दोस्त हैं उनको भी ये चीज़ पता चल गई होगी कि एक्सपोर्ट में हमें प्रॉफिट कितना और हमारी क्वांटिटी कितनी जाएगी। बहुत से मेरे दोस्त पूछते हैं हमें पूंजी कितनी लगेगी। अब पूंजी का भी ये सुन लो, अब मेरे पास मान लो, मेरे पास अभी मेरे एक दोस्त का एक सवाल आया था कि सर मेरे पास 50,000 रुपए हैं और मैं किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो भाई मेरे पास तो 0 रुपए था मान लो। अब मैंने सामने वाले से बोला कि भाई तू मेरे को 100% एडवांस दे दे, या 50% एडवांस दे दे, या 30% एडवांस दे दे, या आप मेरे को बिफोर डिलीवरी सारा पेमेंट कर देंगे। तो उसका माल मंगाने से पहले तो मेरे पास सारा पैसा आ गया ना, तो जो भी मेरा वेंडर है अगर मैं मैन्युफैक्चर नहीं तो मैं उसको सारा पैसा दे दूंगा, तो मुझे क्या दिक्कत है। हम अपने यहाँ क्या करते हैं, अगर कोई हमको मान लो आइट साइज का कोई या कुछ ऐसा आइटम हम बुक करते हैं तो क्या करते हैं, उसको 10% या 20% एडवांस दे देते हैं, जब वो हमारा प्रोडक्ट तैयार कर देता है तो हम उसको सारा कर देते हैं। और मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि हमको अगर चाइना से कोई माल मंगाना है, आप चाइना से कोई कोटेशन मंगाते हैं, तो आप आज के टाइम में आप ये मानते हो ना चाइना नंबर 1 एक्सपोर्टर है, तो आप जब भी उनसे मंगाओगे ना तो वो सिंपल सा एक रिमार्क कह देंगे कि आपको बिफोर डिलीवरी सारा पैसा दे देना है। इसका मतलब यह है कि पैसा तो उन्होंने पहले ही ले लिया। तो अब मेरे भाई तुम पे पैसा है या नहीं है इस चीज़ का कोई मैटर नहीं करता, आप सामने वाले से पैसा मंगाओ ना, उसकी ज़रूरत है वो देगा। आप ये क्यों सोचते हो कि मैं अपनी जेब से पैसा लगाऊं, ये कोई बिजनेस नहीं है कि मैं अपनी जेब से पैसा लगाऊं। हमको अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना, सामने वाले का पैसा लेना है। अब ये आपके गट्स हैं, आपको अपने प्रोडक्ट की खूबसूरती इस तरीके से बढ़ानी है कि वो सामने वाला आपसे ले। अब 400 रुपए किलो का बादाम 1200 रुपए किलो में बेचोगे तो शायद वर्ल्ड में बहुत सारे लोग होंगे, या हम पे कोई इस तरीके का तो है नहीं प्रोडक्ट, तो ये बादाम वाले जो भाई साहब हैं इसको अन्यथा नहीं लेंगे। मैंने एक सिर्फ एग्जांपल के लिए उनको बताया, काफी दिनों से मेरा कोई वीडियो भी नहीं आया था तो मेरे को लगा कि मेरे को इस तरह की चीजें बता देनी चाहिए। अब सबसे पहले हम और क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखेंगे एक्सपोर्ट के लिए, प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए खास तौर पे, तो जो फिशिंग वगैरह होती है इसका भी हमें रेफ्रिजरेटर कैसा होता है, ये सब चीज़ में जो है उसमें कौन सी कंट्री में हमारा जो है एक्सपोर्ट में शिपिंग में ही जाएगा, ये उसको जो है बहुत से फ्लाइट वाले नहीं लेते मेल वगैरह की वजह से नहीं लेते, इस चीज़ के बारे में हम इंटरनेट पर सब चीज़ पड़ी हुई, आप थोड़ा ढूंढिए। बहुत से मेरे भाई क्या पूछते हैं सवाल, मैंने उनका जवाब नहीं दिया, मैं हर किसी का जवाब देता हूँ कि सर पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑनलाइन नहीं होता क्या? तो मेरे भाइयों मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया, आप प्लीज़ इसको बुरा नहीं मानेंगे, कि जब आप पोर्ट तक नहीं जा सकते तो आप एक्सपोर्ट की लाइन में भी मत जाओ। आप घर बैठे सारा काम करना चाहते हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं एक्सपोर्ट करने की, आप घर बैठ के सारा काम कर लो। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए थोड़ा तो आपको फिजिकल एफर्ट लगाना पड़ेगा,
आप अगर घर पे भी कोई बिजनेस कर रहे हो और आपको तो कुछ ना कुछ तो आपको फिजिकल करना पड़ेगा ना, आपको अपना समय या कुछ चीज इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। आप आज इस एज में हो तो आपको अपनी गृहस्थी भी चलानी है, सब चीज़ चलानी है। मेरे बहुत से दोस्त जो हैं वो मेरी वीडियो को देख के वो बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा वीडियो है, ये अप्रिशिएट करते हैं। अभी तक भी मैंने आपसे कोई इस तरीके की बात नहीं करी कि जिसमें कि आपको लगे कि आपके पैसे लगे। मैंने आपको हमेशा ऐसे टेक्निक और ऐसे तरीके बताए हैं कि जिससे आपको बिजनेस में फ़ायदा हो। इसी के साथ ही मैं अगला पॉइंट ये भी एक बताना चाहता हूँ कि हमें दूसरी कंट्री में बैरियर क्या है, किस चीज़ की मनाही है, ये चीज़ भी हमको ध्यान में रखनी है कि इस कंट्री में इस चीज़ की मनाही है। अब एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं। मेरे पास, मैं ज़्यादातर कमेंट का तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ। एक कमेंट ये आया कि मैं वहाँ पर शर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता। मैंने उनको ये बोला कि आप जो है उस कंट्री के टर्म कंडीशन पता कर लीजिए। अगर आपका प्रोडक्ट ब्लीच वाला है तो उससे आपका जो है वो प्रोडक्ट रिजेक्ट ना हो जाए। तो वो बोले ब्लीच क्या होता है, फिर वो बोले कि इस तरह की क्या दिक्कत है, केमिकल प्रोडक्शन क्या। तो सुनिए उसमें क्या होता है, बहुत सी कंट्री में ये चीज़ होती है कि इस ब्लीचिंग से या इस कलर से स्किन प्रॉब्लम हो जाता है। अब मैंने उनको लिखा स्किन प्रॉब्लम, तो उनका रिप्लाई आया कि स्किन प्रॉब्लम क्या होता है। अब स्किन प्रॉब्लम क्या होता है भैया, स्किन का कैंसर हो जाता है। वो ज़्यादा डाई जो होती है ना उससे स्किन का कैंसर हो जाता है। वो अपने यहाँ प्रोडक्ट नहीं मंगाते, वो उसको अपनी जो है। तो आपको ये चीज़ भी हमेशा ध्यान में रखनी है कि इस जो ब्लीच वाले प्रोडक्ट हैं या डाई वाले प्रोडक्ट हैं उनका आप कंट्री देख लीजिए कि कहीं पर वो बैन तो नहीं है। अब तीसरी चीज़ ये, एक सवाल ये आया कि सर HSN कोड जो है उसका क्या फ़ायदा है। HSN कोड का ये फ़ायदा है, किसी चीज़ पर 12% की ड्यूटी है, किसी चीज़ पर 18% की ड्यूटी, किसी पर 28% की ड्यूटी है। अब मेरा दोस्त है, अब मैंने उससे कह दिया कि तू इसको ये प्रोडक्ट को लिख दे, इस पर 12% ड्यूटी है, तो हमारा 12% ड्यूटी में काम चल जाएगा। तो जो दो कंट्री हैं उसमें ये थोड़ी ना होता है कि आप जो भी चीज़ लिख दोगे उसके हिसाब से उसको टैक्स लगेगा, कंट्री रोकेगी। दूसरा सवाल आपका सबसे बड़ा ये रहता है कि सर जी अगर बायर माल रिजेक्ट कर दे तो हम क्या करेंगे। सबसे बढ़िया जवाब इसका ये है, आपने मुझे सारे पैसे दे दिए, अब आप माल रिजेक्ट कर रहे हो, तो माल रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, है ना, क्वेश्चन बनता है ना। तो माल रिजेक्ट जो करता है ना वो कंट्री करता है। एक्सपोर्ट में जब भी हम प्रोडक्ट सिलेक्शन करेंगे तो उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखनी बातें हैं। अब मेरा तो प्रोडक्ट है मैट्रेस, तो मेरा तो प्रोडक्ट बड़ा है, अब मुझे तो उसके लिए मैं ज़्यादा सोच नहीं सकता क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो दूसरे प्रोडक्ट में जाएगा नहीं। ये सीधी सी एक साइकोलॉजी होती है कि मैं दूसरे का प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा क्योंकि मेरे पास है। अब आपके पास नहीं है, अब आप ये मत सोचना कि आप मैन्युफैक्चरर ही होना ज़रूरी हो या आपको ट्रेडर होना ज़रूरी है। चाइना का 80% या 80 से भी अबव वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, वो आपका प्रोडक्ट लेके मर्चेंट एक्सपोर्टिंग करते हैं। मर्चेंट्स एक्सपोर्टिंग होता है कि किसी दूसरे का प्रोडक्ट लेके वो करना, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर होता है उस पर इतना टाइम नहीं होता, उस पर लग जाता है। मैं थोड़ा अपना दिमाग लगा लिया तो थोड़ा मैं सक्सेसफुल हो गया क्योंकि हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट ही कितना है, हम लोग एक्सपोर्ट में बहुत ढीले हैं, बहुत नीचे हैं, हमको यही तो बढ़ाना है, इसलिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब हमको जो प्रोडक्ट सिलेक्शन, जिसके पास प्रोडक्ट सेलेक्ट है उसको तो कोई दिक्कत नहीं, पर जिसके पास प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं है उसको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। मेरे सिटी के आसपास है क्योंकि मैं बार बार नहीं जा सकता, प्रोडक्ट थोड़ा छोटा हो, वॉल्यूमेट्रिकली उसका साइज थोड़ा छोटा हो, गोडाउन पे मेरा कंटेनर आ जाए आराम से। एक पॉइंट हमें यह ध्यान रखना है कि मतलब अगर हम मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, तो मेरे मैन्युफैक्चरर का बिहेव कैसा है, क्या वो मेरे को, उसके पास GST है या नहीं है। अगर उस पर GST नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग करा तो हमें कोई बेनिफिट है नहीं इस चीज़ का, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि हमको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, हमको GST की ही बचत आती है, एक्सपोर्ट में GST की छूट होती है और हमको उसी की ही बचत आती है। 18% के मेरे प्रोडक्ट पे अगर GST लग रही है तो मेरे को उसी की ही छूट आती है। तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमको हमेशा एक्सपोर्टर ऐसा चुनना है, मर्चेंट अपना जो है, जो मैन्युफैक्चरर है वो ऐसा चुनना है जिसके पास में
जीएसटी नंबर हो ताकि हमें फायदा मिल जाए। पेमेंट टर्म, अब मान लीजिए कि मैं मर्चेंट एक्सपोर्टिंग करता हूँ, अब मैं इसमें एक सवाल का और जवाब देता हूँ। मेरे बहुत से दोस्तों का ये सवाल रहता है, सर जी पैसे कितने होने चाहिए। आज ही एक सवाल कि मेरे पास तो 50,000 रुपये हैं। भाई मेरे पास नहीं है एक भी रुपया, समझो मेरे पास जीरो है, मेरे पास पैसे ही नहीं है और मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा नहीं करूँगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, मैं उधार नहीं मिलेगा, मेरा बैकग्राउंड नहीं है, तो कैसे होगा भाई। अगर मैं यही सब चीज़ें सोचने लग जाऊंगा ना तो मैं एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज़ भैया सामने वाला पैसा देगा, सामने वाला पैसा देगा मतलब आपने 50% एडवांस ले लिया, 50% में 30% आपने अपने वेंडर को दे दिया, 20% आपने रख रखा है। अब आपने नियम शर्त क्या रखी है उसको कि आप 100% पेमेंट देंगे तब हम आपकी डिलीवरी करेंगे, यानी कि बिफोर डिलीवरी। ये चाइना का फेमस पेमेंट टर्म है। इसके बाद में थोड़ा वो FOB पे ले लेते हैं। FOB का मतलब मैं आपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि FOB का मतलब ये है हमारा प्रोडक्ट गोडाउन से शिप में लोड हो गया तब वो हमें पेमेंट सारी कर देगा। पर मोस्टली अब मैंने पिछली वीडियो में बताया है अपनी ये कि अगर हमको अपना प्रोडक्ट देना है तो हमको अब सबसे ज़्यादा जो टर्म में है वो जो है चल रहा है वो ट्रेंड में है वो ये है कि हम पहले ही बिफोर डिलीवरी सारा पैसा मांगा लेंगे। तो बिफोर डिलीवरी तो हमारा तो गोडाउन में माल पड़ा है ना, अब मेरे गोदाम में पड़ा है या मेरे वेंडर के गोदाम में पड़ा है की बात है ना, उसने सारा पैसा दिया और मैंने उसको माल डिलीवर कर दिया, तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। अगला पॉइंट हमको क्या ध्यान में रखना है कि हमको जो है इंडेम्निटी क्षतिपूर्ति का क्या हमको क्लेम करना पड़ेगा, मौसम ख़राब है ये इस तरह की चीज़। मैं अपनी अगली वीडियो में इस तरह की चीज़ें बताऊंगा कि हमको अपने क्या क्या क्लॉज खोलने हैं। और सबसे मेन बात डीलिंग आपकी और आपके इम्पोर्टर की है, तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे उसने कहा कि मेरे को तो ये प्रोडक्ट 10 दिन में चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप जो है आपका वेंडर कितने दिन में ये प्रोडक्ट दे देगा। ये ऐसा नहीं है कि सर रिक्शे वाला नहीं और फलाना नहीं है, एक्सपोर्ट है ये, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी हमेशा। मेरे को हमेशा जितने दिन में उसने मेरे को FOB बोला है, जो भी मेरा पेमेंट, मैं जितने भी नए हैं उनको FOB से आगे के जाने की सलाह ही नहीं देता, क्योंकि पैसे का मैटर रहता है ना, पैसा हमको पहला चाहिए, पैसा पहला आगे तो कोई टेंशन ही नहीं है किसी तरह की भी, नुकसान ही लगना चाहिए ना, प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो हमको सबसे पहले, हम अगर उससे 15 दिन का प्रोडक्शन टाइम ले रहे हैं तो हमको अपने वेंडर से ये चीज़ क्लियर करनी है कि आपको हमको 8 दिन में माल देना है, 7 दिन में माल देना है। हम उससे अगर 15 दिन में हमने जो है FOB करना है और 15 दिन में ही हमने टाइम ले रखा है तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों प्रोडक्ट सेलेक्शन के लिए मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं। अब मैं अपनी नई वीडियो में आपको फिर मिलूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।